हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पोएम पोएम यानी कि गुजराती में उसको बोला जाता है काव्य पढ़ेंगे। हमारा काव्य का नेम है नानेरा बाड़। नानेरा बाड़। तो सबसे पहले हम ये काव्य का रीडिंग करेंगे। ओके। खिलखिलाट करता कलबलाट करता, खिलखिलाट करता कलबलाट करता, नानेरा बाड़ा आमे सौवने गमता, नानेरा बाड़ा आमे सौवने गमता। मुखड़ू मलकावता मिठू मिठू बोलता, मुखड़ू मलकावता मिठू मिठू बोलता, काली गली भाषा मा सौने समझावता, नानेरा बाड़ा आमे सौने गमता। निसाड़े जाता गीत नवा गाता, निसाड़े जाता गीत नवा गाता, आनंद थी भाणता सौने गमता, नानेरा बाड़ा अमे सौने गमता। गोड़ गोड़ फरता सात ताड़ी रमता, गोड़ गोड़ फरता सात ताड़ी रमता, हँसता हँसावता सौने गमता, नानेरा बाड़ा आमे सौने गमता, नानेरा बाड़ा आमे सौने गमता। ये पोएम का जैसे कि मैंने उसका सिंगिंग किया है वैसे ही आपको सिंगिंग करना सीखना है, ठीक है। और ये पोएम पूरी लर्न करनी, क्योंकि इसमें से आधी आधी एग्जाम में आएगी। जैसे कि ये आएगी तो इसमें यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा, यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा, तो आपने लर्न की होगी तो ये जो ब्लैंक आया होगा उसमें आप लिख सकोगे। ओके, चलो पेज टर्न करो। अब हम स्वतः करेंगे। स्वतः का फर्स्ट क्वेश्चन है काव्य गान करो अने समूह गान करो। तो ओवरऑल ये करना है, लेकिन हम लोग सब लॉकडाउन इसलिए हम लोग मिल नहीं रहे स्कूल में, तो आपको खुद ही घर बैठ के करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर टू, शुद्ध उच्चारण करिए। यहाँ पे मैं वो वर्ड्स पढ़ूंगी और आपको उसको रिपीट करना है। ओके, चलो। कल बलाट, कल बलाट। खिलखिलाट, खिलखिलाट। बड़बड़ाट, बड़बड़ाट। खटखड़ाट, खटखड़ाट। क्वेश्चन नंबर थ्री, काव्यमाथी छेल्ले ता आवता होय तेवा शब्दो शोधीने लखो। एग्जाम्पल तरीके रमता, तो रमता जैसा वो पोएम आगे का पेज पलटा के उसमें देखो कौन कौन सा पीछे ता आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डरता, गमता, बोलता, समझावता, गाता, फरता, हंसता, हंसावता, मलकावता। तो ये आपको लिखना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर फोर, नीचे ना प्रश्नों ना एक शब्द में जवाब लखो। बाड़क केवू बोले छे? बाड़क मीठू मीठू बोले छे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीठू मीठू। बाड़क केवी भाषा में समझावे छे? काली गेली भाषा में समझावे छे। तो यहाँ पे लिखेंगे काली गेली। बाड़क कई रमत रमे छे? बाड़क सात ताड़ी रमत रमे छे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सात ताड़ी। नानेरा बाड़क कोने गमे छे? नानेरा बाड़क अमे सौने गमता। याद है ना पोएम? तो क्या आएगा आंसर में?
सोने। ओके चलो नेक्स्ट पेज देखो। यहाँ नीचे काव्य पंक्ति पूर्ण करो, जैसे कि मैंने पहले बोला था ना आपको लर्न करने के लिए, तो आप लर्न करोगे तभी ऐसे ब्लैंक आएगा तो उसमें आपको लिखने को आएगा। देखो यहाँ निसारे ब्लैंक लिया है, उसमें क्या आता है जाता, गीत नवा गाता ब्लैंक दिया है, उसमें आनंद थी भणता सौने गमता, नानेरा बाढ़ अमे सौने गमता। अब यहाँ पे प्रवृत्ति दी है, शाळा में तमे कही कही रमो तो रमो छो तेनी यादी बनाओ। तो आप कौन कौन से खेल खेले हो स्कूल में? हाँ तो जो आप खेल खेले हो वो यहाँ पे उसके नेम लिखने हैं, ठीक है? तो जैसे कि हम लिखते हैं स्कूल में खेलने वाले खेल, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, कैरम, चेस। इनसे भी ज़्यादा आता है लेकिन मैंने इतना ही लिखा। आपको ज़्यादा आता है तो आप लिख सकते हो इनसे भी, और जो नाम आते हैं वो लिख सकते हो। चलो यहाँ पे नेक्स्ट, चित्र जोई कई रम्मत, जोई रम्मत का नाम लिखो। ये कौन सी रम्मत है? वॉलीबॉल, ये लिखा मैंने वॉलीबॉल। ये है कबड्डी, खो खो। ओके तो यहाँ पे आपका स्वाध्याय पूरा हुआ। ये आपको टेक्स्ट बुक में पूरा लिखना है, ठीक है? ओके बाय।